मैं तेरा दोस्त हूं या दुश्मन? तुम्हें क्या लगता है? दोस्त तो हो नहीं सकता। होता तो छुपाता नहीं कि तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। प्लीज समझ, इस बारे में मुझे अब कोई बात नहीं करनी। ये सब कट्टू ने किया है। लोन उसके साले ने लिया और फंसा तुझे दिया। मेरे नकली सिग्नेचर किसने की? गलती तो तुम्हारी, पर तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? तुम्हें बचाने के लिए। साले, बहुत दोस्ती निभाई तूने। दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी। तुझे फंसाकर मैं अपनी बहन की गृहस्थी टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। और उसकी आंखों में वो दर्द भी नहीं देखना चाहता था जो मैं पल पल विद्या की आंखों में देखता हूं। और भाभी कहें? विद्या की तबीयत ठीक नहीं है। ओ, तूने मुझे बताया नहीं। वैसे भी बड़ी बड़ी बातें तू बताता नहीं है, और ये तेरे लिए छोटी सी बात है। बात बड़ी हो या छोटी, मेरे घर के मामलों में मैं बाहर वालों की दखलंदाजी पसंद नहीं करता। जी मिसेस वर्मा जी, मैं डॉक्टर मेहता बोल रहा हूं, स्पीच थेरेपिस्ट। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको यहां से दो बार वापस जाना पड़ा, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आप 4 बजे अपनी बेटी के साथ आ जाइए। तो आपको पता चल गया कि मैं मिस्टर मेहंदी रत्ता की बेटी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं शाम को अपनी बेटी को लेके आ जाऊंगी। आज से आपकी बेटी की स्पीच थेरेपी शुरू हो जाएगी। और आगे से आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कोशिश कीजिएगा किसी को ना हो। थैंक यू। क्या हुआ? डॉक्टर ने 4 बजे का अपॉइंटमेंट दिया। अच्छा, अच्छा शाम को अंतरा को लेके जाऊंगी मैं क्लिनिक पे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम सिर्फ आराम करोगे। अंतरा, मैंने कहा ना, बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगा। क्यों निकाला आपने अदिति को? आपकी वजह से उसे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, पता है आपको? बॉस के साथ बदतमीजी से बात करने का अंजाम जानते हो? आपको जो करना कर लीजिए, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। अदिति को मैंने नहीं निकाला, यह उसका खुद का फैसला था। फ्रॉड के केस में तुम दोनों में से एक को जाना था, या वो या तुम। आदित्य के मना करने पर भी आपने अपने साले का लोन अप्रूव करवाया, आदित्य के जाली दस्तखत मुझसे करवाए, और ईएमआई की इंस्टॉलमेंट बाउंस होने के बाद भी आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब कुछ तो आपने किया है, और आदित्य भुगत रहा है। तो तुम मेरी गलतियां बताने आए हो? नहीं, सुधारने आया हूं। आप आदित्य को वापस बुला लीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता, आपको आदित्य को वापस बुलाना ही होगा, नहीं तो मैं आपकी पोल सबके सामने खोल दूंगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा समीर, मां तुम जरूर पकड़े जाओगे, क्योंकि लोन के पेपर्स पर यह कहीं नहीं लिखा कि वो मेरा साला है। हां, तुम्हारे जाली सिग्नेचर जरूर पकड़े जाएंगे। वैसे इतने बेवकूफ तो नहीं लगते हो तुम जो अच्छी खासी नौकरी को लात मार दो। सोच लो।